हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इसी सप्ताह में की जानी है, DPI का आदेश है और अतिथि शिक्षकों की नीति के ऊपर मंथन चल रहा है। जल्दी अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाई जा रही है, उसके ऊपर विचार चल रहा है। DPI की ओर से ऐसा आदेश जारी किया गया है और इसी सप्ताह में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी, ऐसा भी आदेश जारी किया गया है DPI की ओर से। और अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ। प्रदेश सचिव हैं रविकांत गुप्ता जी, ने DPI में बात की तो इनका क्या कहना है और DPI के अधिकारियों का क्या कहना है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर किस आधार पर की जाएगी और क्या नियम बनाए जा रहे हैं, वो भी इन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। और अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन होने वाला है 25 तारीख से, उसको भी लेकर रणनीति तैयार की गई है और एक आदेश जारी हो गया है जो वायरल हो रहा है, वो पूरी तरह से फर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। नियुक्ति का जो विवेक यादव जी, नियुक्ति के लिए जो बोला गया है कि इस सप्ताह में आपके नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे, ये DPI कहना है। और जो वल्लभ भवन है वहां से ये निकल के खबर आ रही है कि अभी आपके नियम पे मंथन चल रहा है, अभी आप लोगों के लिए मीटिंग चल रही है। कितनी मीटिंग करेंगे, ये हर साल निकल गया, एक साल हो गए महापंचायत को, या तो नियम नहीं बना पाए, बस ये बैठक हो रही है, वो बैठक हो रही है, ऐसे नियम बना के देंगे, वैसे नियम बना के देंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है स्कोर कार्ड गायब कर देते हैं, हमको लगता है कुछ ना कुछ नया होने वाला है। लोग सर कुछ नया होगा क्या, स्कोर कार्ड निकलना बंद हो गया। जब स्कोर कार्ड सामने निकल के आता है तो मालूम पड़ता है कुछ नहीं हुआ यार, वो तो वही दिख रहा जो पहले था। अब तो मेरी बातें बहुत सारी गलत होने लगी, बहुत लोगों ने कहा सर आप तो जो आप न्यूज सब गलत हो रही है, क्या कर सकते हैं। जो हमको देखो, मेरा तो यह है कि जो मुझे बताया जाता है आप लोगों से मैं वो शेयर करता हूं। और हमारा कौन है, सबने ठगा हमें, सबने बर्बाद किया हमें, हमारी पीड़ा कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हम हर तरफ जहां भी जा रहे हैं परेशान हो रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी है आपकी, उनको मत, वो कहते हैं हमको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। अरे क्या बच्चों की फिक्र करोगे साहब, स्कूलों में बच्चे नहीं है। अभी कई पेपरों में न्यूज चल रही है कि 1200 बच्चों में कुल 3 शिक्षक हैं और हमारे अतिथि शिक्षक तो महान है भैया। प्रिंसिपल ने फोन कर दिया है, हम स्कूल आ गए हैं आज, ठीक है जाऊं स्कूल ना जाऊं, मतलब पेमेंट मिलेगी नहीं इसकी कोई फिक्र नहीं है, फ्री में नौकरी करने हम पहुंचे। जब उनको पता है कि आप फ्री में नौकरी करो तो काहे के लिए आदेश निकालेंगे। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि 80% अतिथि शिक्षक स्कूलों में जाकर काम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे खुद बोल दो कोई कि नहीं नहीं मैं तो कभी नहीं गया। अरे जब उन्हें पता है कि आपको दिक्कत नहीं हो रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनकी स्कूल बराबर चल रही है, तो काहे की परेशानी होगी, काहे के लिए वो मरे, ये आप भी जानते हो। कोई भी तब झुकता है जब वो परेशान होता है। शायद मैं ज्यादा बोल जाता हूं, कई बार बकवास भी करता हूं, क्या करूं यार, दुख होता है मुझे भी, है ना। सही इसलिए कहता हूं राजू साहू जी कि मुझे फोन आते हैं सर हम स्कूल जा रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और वही लोग जो अभी स्कूल जा रहे हैं उनमें मालूम पड़ेगा लास्ट में कि उनमें से बोलेंगे सर हम तो अभी जुलाई में पूरे स्कूल गए और अगस्त जब नियुक्ति भाई हमको बाहर कर दिया। बढ़िया है, करिए आप लोग अपने हिसाब से, हम किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते। आप लोगों के लिए जितना हो सकता है, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो ठीक है, जिस दिन सहयोग मिलना बंद हो जाएगा उसे हम भी कहेंगे भैया आप देखो यार अपने हिसाब से, वो भी अपने घर में होंगे, परिवार जी कहाँ जाएंगे, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी अपने बच्चों को देखना है, उनको भी अपने घर को देखना है। अगर स्कूल बंद है कोई काम नहीं करेंगे तो कहाँ से चलेगा। यहाँ तो लोग 100 रुपये अगर डाल देते हैं ना, 100 बार गाना गाते हैं मैंने आपको 100 रुपये दे मेरा वापस करो। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर काम के लिए 200 रुपये डाल देंगे ना, अगर काम नहीं हुआ, अरे सर मैंने आपको 200 रुपये दिए थे आप पैसे डालो हमारे 200 रुपये वापस करो, यहाँ ये हालत है तो कौन भाई नौकरी कर पाएगा। मैं तो अभी फ्री इसलिए हूँ, मैं अनमैरिड हूँ, कोई आगे पीछे भी है नहीं तो कर रहा हूँ। जो बेचारे मैरिड है उनको घर भी देखना है, घर भी चलाना है। मधुसूदन जी, हम
बिल्कुल किसी भी आंदोलन को हम लोगों ने तक विरोध नहीं किया, लेकिन जो 25 तारीख का आंदोलन हो रहा है उसे हम किस हिसाब से उसके लिए हम हाँ कर रहे हैं कि आप लोग जाइए, किसी को हम कैसे परेशान कर सकते हैं बताइए आप। क्योंकि आप लोग ये अच्छे से जानते हो कि आज तक बीएमएस ने आपके लिए क्या किया, बीएमएस आधारित बीएमएस आपको एक बता दूंगा और कि आंदोलन क्यों हो रहा है। बीएमएस का 17th जो उनका स्थापना दिवस है शायद 23 तारीख को है, और हम बीएमएस की जयकारा लगाने हम क्यों आएंगे, आप बता दो आप बीएमएस की जयकारा लगाओगे। किसी ने एक सवाल किया था, बहुत अच्छा सवाल था उनका, कोई जैन जी है टीकमगढ़ से, उनका मैंने देखा था, बहुत अच्छा सवाल किया था कि आपने आज तक बीएमएस सबसे बड़ी संस्था है जो वर्तमान में बीजेपी के लिए काम करती है मजदूरों के लिए, तो आज तक बीएमएस ने कौन सा हमारे लिए काम कर दिया, अभी तक आदेश जारी नहीं हुए, एक बार बीएमएस ने पूछा कि आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई, आपकी आपको स्कूलों में क्यों रखा गया, आपको पेमेंट मिली कि नहीं मिली, लोग यहाँ 5 रुपए पेमेंट नहीं पाए हुए हैं बेचारे घूम रहे हैं। अनिल जी आंदोलन में सबको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, हम खुद सपोर्ट कर रहे हैं, हमने हमको जब फोन आया था हमारे पास तो मैंने खुद लोगों ने फोन किया सर क्या करें जाए कि ना जाए, हमने उनसे खुद कहा कि नहीं जाओ, बिल्कुल आप लोग जाइए सपोर्ट करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ना कि अच्छा तो अभी 1 महीने लगातार डीपीआई में आंदोलन चला है आयात की ओर से, हम भी बिल्कुल तैयार थे, हमने भी कहा हम भी 2-3 दिन गए, क्या रिजल्ट निकला, 1 महीने आंदोलन किया आपने भर्ती करवा के आंदोलन खत्म करवा दिया बिना कोई रिजल्ट के, इससे क्या जो रिजल्ट जाना तो उससे क्या होता है, इसका रिजल्ट ये जाता है कि आप लोग हार मान गए, आप हार के चले आए, क्योंकि जब तक किसी आंदोलन के लिए प्लानिंग नहीं होती, मैंने हमेशा इस बात को बोला है कोई भी आंदोलन करो उसके पहले मीटिंग करो, बैठो, प्लानिंग करो और उससे कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लान ए प्लान बी प्लान तैयार होने चाहिए आपके पास, पर नहीं आजकल क्या है सोशल मीडिया में उठाया इस तारीख को आंदोलन करना है, सब लोग भोपाल पहुंचे, आओ भोपाल में बैठो, बेचारे आएंगे दूर दूर से लोग, बैठेंगे ताली बजाएंगे, बीएमएस जिंदाबाद करेंगे, घर चले जाएंगे, भाई होता हुआ है आज तक, कोई प्लानिंग हुई आज तक। अब आंदोलन भोपाल में अगर होगा मैं उसी आंदोलन को सपोर्ट करूंगा जिस आंदोलन पर एक अच्छा मंथन होगा, टीम बैठेगी, जिला अध्यक्ष बैठेंगे, प्रदेश कमेटी बैठेगी, बात करेगी, उसी आंदोलन को हम सपोर्ट करेंगे, हवाबाजी करके आपको परेशान करके हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोग भी दूर दूर से आते हो, किराया लगाते हो और यहाँ आकर के ग्राउंड में बैठे रहते हो, भारी भोपाल में बारिश भारी हो रही है, लोग किस तरह परेशान होते हैं आप सब अच्छे से जानते हो। सोनी जी स्कूल का बहिष्कार करना चाहिए, आप छोड़ो स्कूल, आपके भी 10 खड़े हुए हैं, क्या करोगे आप बताओ। हमने करके दिखवा लिया एक बार, यहाँ लोग फ्री में काम कर रहे हैं, आप स्कूल बहिष्कार की बात कर रहे हो, लोग फ्री में स्कूल जा रहे हैं, जब भी तक आदेश नहीं आया तब भी। ठीक है बढ़िया है, जिन लोगों को मैंने एक खबर दी थी डीएड वालों के लिए, जिन लोग हमारे साथ जो डीएड बीएड नहीं कर पाए हो, अगर डीएड बीएड करना है आपको स्कूल नहीं कॉलेज नहीं मिल पा रही है, तत्काल आप लोग संपर्क करिए, आप लोगों को कॉलेज दिलवाने का काम मैं कर दूंगा, और भोपाल में ही कॉलेज मिलेगी मैं स्पष्ट कर दूं, एमपीबी से आप लोगों को मिल जाएगा कॉलेज, इसकी गारंटी हमारी है, और जो लोग बर्दों में फेल हैं बर्दों की मस्त पढ़ाई करो, और परीक्षा होने वाली है अब सितंबर में, लगभग 4 से 5 हज़ार पदों पर परीक्षा होगी, करो मेहनत, जिसका आ जाए तो आ जाए, जो फेल हैं जिनका नंबर 60 से 75 कम है वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रयास में हैं, इस प्रकार एक वालों को बैठने का मौका मिला था आपको ही मिल जाए, इस वालों के लिए काम कर रहे हैं सर, बेफिक्र रहिए 37% से कम है, उसके लिए ही मैं बल्लभ भवन जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए बस मुलाकात एक बार हो जाए, इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आपका काम आप लोगों के लिए एक सुसज्जित नियम बन किया जाए, किस आधार पर आपके रिजल्ट को काउंट किया जाएगा। ठीक है सुमित जी, हम आप बस नहीं लगभग लगभग इस तरह के हजारों की संख्या में लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं। अनुभव जी आप लोगों का भी काम चल रहा है, सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, लगातार 3 बार 4 बार नोटिस हो चुकी है, और प्रयास है कि जल्द से जल्द उसमें कोई ना कोई निर्णय आ जाए, क्योंकि जब तक सरकार जवाब नहीं देती है उस पर वेट वो डेट उसकी बढ़ती जाती है। जिनको भी 40% 50% में केस में जुड़ना है वो लोग संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आदेश जारी होगा बरगदों का नोटिफिकेशन आएगा तत्काल हम केस लगाएंगे, इसलिए हम पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने